हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्वाति है और आज की वीडियो के थ्रू मैं बहुत ही बेसिक बट इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूंगी आप लोगों से। टॉपिक तो आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, मिथ्स अबाउट साउथ इंडिया एंड साउथ इंडियंस। जब भी हम साउथ इंडिया या साउथ इंडियंस की बात करते हैं तो कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो कि हमारे दिमाग में आती है, चाहे यहाँ के फूड से रिलेटेड हो या फिर यहाँ के कपड़ों से रिलेटेड हो, यहाँ की लैंग्वेज से रिलेटेड हो। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि सच नहीं है। बहुत सारे मिथ्स होते हैं साउथ इंडिया और साउथ इंडियंस के बारे में, उन सब के बारे में आज मैं क्लैरिफिकेशन दूंगी आपको इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, साउथ इंडियंस ऑलवेज ईट इडली एंड डोसा इन ब्रेकफास्ट। बहुत लोग यही सोचते हैं कि अगर साउथ इंडिया में जाएंगे कुछ ब्रेकफास्ट में खाना है तो वहाँ पर इडली और डोसा ही मिलेगा। ये बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, ये एक ऑप्शन ज़रूर है, इडली एक ऑप्शन है खाने के लिए, डोसा एक ऑप्शन है खाने के लिए, लेकिन ये डेली नहीं खाया जाता है। इडली और डोसा के अलावा भी और बहुत सारे फूड ऑप्शन अवेलेबल है जो कि ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं, जैसे कि ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फर्स्ट है उत्पम, सेकेंड है आलू पूड़ी, थर्ड वड़ा या गारा। ये सब ऑप्शंस हैं जो कि इंडियन साउथ इंडिया में ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि बोंडा या फिर पुनुगुलू, सेकंड है उपमा, थर्ड है केरला की साइड इसको अप्पे बोलते हैं, नहीं तो तेलुगु में इनको गुंड पुनुगुलू बोलते हैं। ये सब ऑप्शंस हैं जो कि साउथ इंडिया में ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं। इडली और डोसा उनमें से एक ऑप्शन है जो कि वीकली वंस या 2 वीक्स में वन टाइम खाया जाता है ऑफकोर्स। नेक्स्ट मिथ है कि साउथ इंडिया में जो आदमी और औरतें हैं वो सिर्फ लुंगी और साड़ी ही पहनते हैं, और साड़ी स्पेसिफिकली कांजीवरम या पट्टू साड़ी ही पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफकोर्स लुंगी पहनी जाती है, कुछ लोग पहनते हैं, लेकिन सभी लोग डेली लुंगी ही पहने, काम करते वक्त जाएं तो भी लुंगी ही पहने, घर पर भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप साउथ इंडिया में आएंगे तो आपको मोस्टली मेजरली मेन जब आप मार्केट में जाएंगे बाहर देखेंगे तो जीन्स या ट्राउज़र पैंट ये सब में देखेंगे। और लेडीज़ आंटीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कांजीवरम या पट्टू साड़ी ही पहने, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग अपना डेली वेयर में कॉटन के, सिल्क, बेसिक साड़ीज़ जो भी अवेलेबल होते हैं वो सब पहनते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग हमेशा लुंगी और पट्टू या कांजीवरम साड़ी पहने, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। आजकल तो मोस्टली वुमेन्स और आदमी, जैसे हम लोग बेसिकली नॉर्थ का हमारा ट्रेडिशन हो कपड़े पहनने का या फिर कहीं का भी हो, बिल्कुल वैसा ही साउथ इंडिया में भी चल रहा है। वो लोग जीन्स, शर्ट, सूट्स, ड्रेसेस सब कुछ पहनते हैं। नेक्स्ट, साउथ इंडियंस की इंग्लिश या फिर हिंदी हैवीली एक्सेंटेड होती है। कुछ लोगों की ऑफकोर्स होती है, मैंने सुना है, लेकिन सबकी होती है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। मैं क्योंकि रिटेल में काम कर चुकी हूँ साउथ में आकर, मैंने फ्रंट एंड पे 3 इयर्स काम किया है, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि सब लोगों की हिंदी और इंग्लिश हैवीली एक्सेंटेड है। नहीं, बहुत लोगों की हिंदी और इंग्लिश जैसे मैं बात कर रही हूँ सेम वैसी ही होती है, कुछ एक्सेंट साउथ इंडियन एक्सेंट नहीं आता है, दे कैन टॉक नॉर्मली, वो लोग नॉर्मली बात करते हैं। कुछ लोगों की हिंदी और इंग्लिश एक्सेंटेड होती है, आई अग्री, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से जब बात करी है तो उनकी हिंदी और इंग्लिश में वो साउथ इंडियन टच आता है, लेकिन सबका ऐसा है, दिस इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट, सभी साउथ इंडियंस डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, ऑल साउथ इंडियंस आर इन डार्क कॉम्प्लेक्शन। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर आप साउथ इंडिया विजिट करेंगे तो आपको हर कॉम्प्लेक्शन के लोग मिलेंगे, फेयर कॉम्प्लेक्शन, डस्की कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन के भी ऑफकोर्स मिलेंगे, लेकिन सभी लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं साउथ इंडिया में, दिस इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट, वुमेन्स यानी कि गर्ल्स या फिर लेडीज़, जो आजकल की जनरेशन के लोग हैं वो हमेशा साड़ी या हाफ साड़ी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनते हैं। आजकल की जनरेशन ड्रेसेस पहनती है, सूट पहनती है, जीन्स टॉप भी पहनती है ऑफकोर्स। तो सभी लोग ओनली ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं साउथ इंडिया में, दिस इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट, साउथ इंडियंस हमेशा बनाना लीफ में खाते हैं। ये एक ट्रेडिशन है, कल्चर है साउथ इंडिया का। अगर आप साउथ इंडिया में विजिट करेंगे तो कुछ रेस्टोरेंट्स अभी भी अपने कस्टमर्स को बनाना लीफ में खाना सर्व करते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा होगा 10 में से 1। ये ट्रेडिशन है, अभी भी कई जगह पर फॉलो होता है, लेकिन सब लोग बनाना लीफ पर ही खाना खाते हैं, दिस इज़ नॉट ट्रू। घरों में तो सब लोग नॉर्मली प्लेट्स यूज़ करते हैं, होटल्स में भी आप जाएंगे, रेस्टोरेंट में भी आप जाएंगे तो हर जगह पर आपको प्लेट्स और कटलरीज, ये
जो आजकल का ट्रेडिशन है वही सब चल रहा है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी बनाना लीव्स यूज होती हैं, बिकॉज इनका कल्चर है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन सभी लोग बनाना लीव्स पर खाते हैं, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट, ऑल साउथ इंडियन लेडीज वेयर गजरा डेली। नो, साउथ इंडिया में लेडीज गजरा पहनती है, दिस इज ट्रू, ये सच बात है, लेकिन डेली पहनती हैं ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। विलेजेस में आप जाकर देखेंगे तो मोस्टली एक फ्लावर या दो फ्लावर उनके बालों में ज़रूर होगा, लेकिन सबके नहीं होगा। और डेली गजरा नहीं पहनते हैं, लेकिन फेस्टिवल्स पे मोस्टली सब लोग गजरा ज़रूर पहनते हैं, डेली नहीं पहनते हैं, दिस इज ट्रू। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सभी सेम होती हैं, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि हम जब नॉर्थ से होते हैं या ईस्ट या वेस्ट से होते हैं, हमको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती है। अगर आपके सामने कोई तेलुगु पर्सन बात कर रहा है, या फिर आपके सामने कोई कर्नाटका का पर्सन बात कर रहा है, या फिर आपके सामने कोई केरला का पर्सन बात कर रहा है, उनकी लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट होती है, हमको समझ में नहीं आती है, इसीलिए हमको सभी लैंग्वेज एक जैसी लगती हैं, लेकिन ये सच नहीं है, सभी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं। आप तेलुगु पर्सन से बात करेंगे तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आप कर्नाटका के पर्सन से बात करेंगे तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, क्योंकि मैं अब साउथ इंडिया में 4 ईयर्स से रह रही हूँ, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सब की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो अगर आपको समझ में आने लगेगी तो आपको उनका डिफरेंस भी पता चलने लग जाएगा। नेक्स्ट, ऑल साउथ इंडियंस आर वेजिटेरियन, ये तो बिल्कुल ही सच नहीं है। 70-80% लोग नॉन वेज खाते हैं साउथ इंडिया में, पूरी पूरी फैमिली सभी लोग नॉनवेज खाते हैं, बच्चे, लेडीज़, जेंट्स, सब लोग नॉनवेज खाते हैं। बेसिकली मैं कहूँगी कि साउथ इंडियन आर नॉनवेज लवर्स, और ये जो एक मिथ है कि ऑल साउथ इंडियंस आर वेजिटेरियन, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सो आई होप आपको ये वीडियो में जितनी भी बातें मैंने शेयर करी वो पसंद आई होंगी। मैंने फूड से रिलेटेड भी कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। ट्रेडिशन से, कल्चर से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।